इंदौर में आए जिला के प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह ने एमवा अस्पताल पहुंचकर वहां चल रहे कायाकल्प की भी समीक्षा की। प्रभारी मंत्री ने इस दौरान एमवा अस्पताल को प्रदेश का सबसे सुविधा युक्त शासकीय अस्पताल बनाने की बात कही। एमवा अस्पताल का दौरा करने पहुंचे प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह ने यहां चल रहे कायाकल्प अभियान के बाद तैयार किए गए वार्ड का निरीक्षण किया। वहीं अस्पताल में मरीजों को दी जा रही सुविधाओं को लेकर भी उन्होंने अस्पताल अधीक्षक से चर्चा की। अपने दौरे के बाद प्रभारी मंत्री ने अस्पताल में किए गए कार्यों को लेकर संतुष्टि जाहिर की। उन्होंने आने वाले दिनों में एमवा अस्पताल को प्रदेश का सबसे बेहतर अस्पताल बनाने की बात कही। देखिए, मैंने आज लगभग एक घंटे तक एमवा हॉस्पिटल में मैं वहाँ के प्रशासन से भी मिला हूँ, डॉक्टर से भी मिला हूँ और जो पेशेंट हैं उनसे भी मैंने बातचीत की है। कुछ वार्डों में मैं स्वयं गया हूँ और जो लिफ्ट है लिफ्ट में भी मैं स्वयं लिफ्ट से फिफ्थ फ्लोर तक गया था। सारे कार्यों की उसके बाद हमने समीक्षा की है। समीक्षा में कुछ बातें हॉस्पिटल में उन्होंने काम बहुत अच्छे किए, जैसे फिफ्थ फ्लोर पे मैं वार्ड नंबर 23 या 24 था, उसमें मैंने देखा कि एमवाई में अनेक वार्डों में जो सेंट्रली ऑक्सीजन की लाइन उन्होंने डाली हुई है। वहीं एमवा अस्पताल में लिफ्ट में फंसकर महिला की मौत के बाद प्रभारी मंत्री ने अस्पताल में आने वाले 3 महीनों में अत्याधुनिक लिफ्ट लगाने की बात कही। मैंने उसमें तत्काल वहीं से जो हमारे डीएमए हैं उनको और हमारे जो प्रमुख सचिव हैं विनोद सेमवाल जी उनको बात की है और उन्होंने इसकी सहमति दी है। 1 जनवरी तक एमवाई हॉस्पिटल की तीनों लिफ्टें नई लगाई जाएंगी, ये निर्णय हुआ है। उसका प्रस्ताव यहाँ से बन के जाएगा पर शासन से स्वीकृति के लिए उन्होंने सहमति दी है, मैंने बात की है। इस तरह एमवा अस्पताल का दौरा करने पहुंचे प्रभारी मंत्री ने भले ही कायाकल्प से संतुष्टि जाहिर की हो लेकिन लगातार हादसों का गढ़ बन चुके एमवा अस्पताल के वास्तविक हालातों को लेकर उन्होंने जिम्मेदारों को कोई खास हिदायत नहीं दी।